हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कल से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का पांचवा टेस्ट स्टार्ट हो रहा है जो कि धर्मशाला में खेले जाने वाला है। अब एक बात को समझना, अगर धर्मशाला की बात करें, बट धर्मशाला से पहले अगर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की बात करें तो इंडिया ऑलरेडी 3-1 से तो आगे है। लेकिन पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाली क्या चीज है कि इंग्लैंड के पास अब खोने को कुछ नहीं है, ऑलरेडी 3-1 से सीरीज को क्या कर चुकी है, वो हार चुकी है। और मैंने एक लर्निंग हमेशा दी और इस बार भी लर्निंग क्या देना चाहता हूं कि कोई भी फॉरेन टीम होती है जो अपने देश में आती है, अगर वो पहला टेस्ट खेल रही है तो उसके जो नए खिलाड़ी होते हैं उनके ऊपर नजर रखा करो। जैसे कि मैं बताया टॉम हार्डली की, आपने देखा ना टॉम हार्डली क्या हो गया। इस टूर्नामेंट की बात करो तो सबसे ज्यादा अगर किसी ने विकेट लिया है तो किसने लिया है, टॉम हार्डली ने लिया है। तो ये लर्निंग लेना कि नए खिलाड़ी को पहले मैच में ट्राई किया करो। दूसरी लर्निंग ये ले लो कि अगर आखिरी मुकाबला है और जो बाहरी कंट्री आई है वो पूरी सीरीज को हार चुकी है, तो वो प्लेयर जो बड़ा प्लेयर है और सीरीज में क्या चल रहा है, फ्लॉप चल रहा है, उसके ऊपर आप नजर रख सकते हो। तो ये लर्निंग आप लेकर के चलना। अब वो कौन सा खिलाड़ी होगा, किसके ऊपर नजर रखना होगा, वो सब हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और एक चीज ध्यान देना, मैंने जो बताया है कि इंग्लैंड के पास खोने के लिए कुछ है नहीं, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे बैस बॉल देखने को मिल सकता है। हालांकि आप थोड़ा सा अग्री नहीं करोगे क्योंकि यहाँ की पिच की जो रिपोर्ट बताती है वो आपने अभी तक कुछ अलग तरीके से देखा होगा, इसलिए आपको लग रहा होगा नहीं बैस बॉल तो नहीं हो सकता है क्योंकि विकेट यहाँ पे ज्यादा गिरते। बट मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से हो सकता है, घबराना नहीं, पेशेंस रखना, एक एक चीजों को बारी बारी समझाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ के वेदर के बारे में। मुझे पता है कि मैंने बहुत सी वीडियो को देखा और आपने भी देखा होगा वेदर के बारे में क्या बताया गया। तो वेदर के बारे में आपको बताया गया कि मॉइस्चर मतलब नमी, यानी वेदर जो मौसम में होगा आपको क्या देखने को मिलेगा, नमी देखने को मिलेगा। और नमी की वजह से क्या होता है कि पिच के ऊपर देखोगे तो पेसर्स को क्या होगा, मदद मिलती है ना, बिल्कुल पेसर्स को मदद मिलेगी, नो डाउट। लेकिन एक बात का ध्यान देना, जैसे 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 क्या होगा, दिन आगे बढ़ता चला जाएगा और क्योंकि गर्मी का महीना चल रहा है ना, तो गर्मी का महीना चल रहा है, धूप ज्यादा है, जैसे जैसे गेंद आगे बढ़ता चलता जाएगा तो आपको क्या दिखेगा कि यहां पे आपको स्पिनर्स भी क्या होंगे, गेम में आते चले जाएंगे। और यही कारण है कि अगर आप रिकॉर्ड यहां पे देखोगे तो यहाँ पे देखो फर्स्ट इनिंग में 6 विकेट स्पिनर ने, सेकंड इनिंग में भी 6 विकेट और थर्ड इनिंग में भी 6 विकेट स्पिनर ने लिया था। तो पेसर्स का गेम यहाँ पे रहता है बिकॉज ऑफ मॉइस्चर की वजह से, नमी की वजह से, लेकिन साथ ही साथ स्पिनर का भी होता है। और क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ पेसर स्पिनर दोनों का रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो पिच का इस्तेमाल किया जाता है, जो मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, वो ब्लैक सॉइल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी काली मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। और काली मिट्टी जो होती है वो बैटिंग के लिए, पेसर्स के लिए और स्पिनर के लिए, तीनों के लिए बैलेंस माना जाता है और एक आइडियल मतलब पिच मानी जाती है जो काली मिट्टी जिसके ऊपर डाला जाता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो धर्मशाला की जो पिच होती है ये काली मिट्टी इसमें डाली जाती है, तो बैटिंग बॉलिंग और स्पिनर जो भी है ना सबको मदद प्रॉपर है, ठीक है। अब मैंने क्या क्या बताया कि इन चीजों को देख लेना, मैंने बोला है कि यहाँ पे मॉइस्चर देखने मिलेगा। और एक चीज और समझना, ये जो पिच है ना, ये जो ग्राउंड धर्मशाला का जो ग्राउंड है ना, ये सबसे हाईएस्ट मतलब दुनिया का सबसे ज्यादा ऊंचाई, हाईएस्ट मतलब ऊंचाइयों पे ही सबसे बड़ा ये ग्राउंड है, मतलब सबसे ज्यादा ऊंचाइयों का ये ग्राउंड है। तो ये कौन है, धर्मशाला है पूरे वर्ल्ड में, तो ऊंचाइयों पे तो कहीं ना कहीं उस वजह से भी आपको नमी तो और भी देखने को मिलेगी। और नमी जब होती है तो थोड़ा सा पेसर को मदद मिलती है, लेकिन ध्यान से समझना एक बात को आप कि नमी है तो नमी की वजह से क्या होगा, बल्ले पे भी तो गेंद प्रॉपर तरीके से आएगा। इस बात को हमेशा लर्निंग लेके चलना कि अगर नमी रहती है तो नमी के कारण क्या होगा, धीरे धीरे जो पिच होगी पिच के ऊपर भी वो क्या होगी, नमी आना चालू होगा। और जब नमी आना पिच के ऊपर चालू होगा तो गेंद क्या आएगी, प्रॉपर तरीके से बल्ले पे भी आएगी। तो ऐसा ही नहीं कि सिर्फ पेसर और स्पिनर, ये भी मान के चलना कि आपको यहाँ पे बल्लेबाजों को भी बल्लेबाजी अच्छी करते हुए आप देख सकते हो। अब हो सकता है कि आप मेरी इस बात से अग्री ना करो, सहमत ना करो, क्यों, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अभी तक आपने जो भी वीडियोस को देखा होगा आपने ये देखा होगा कि यहाँ का जो एवरेज स्कोर है वो 300 रन का है, ये वाला ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का देख हुआ ना मैच जो हुआ था, तो 300 का एवरेज दिखा हुआ। लेकिन बात समझो, यहाँ पे सिर्फ इकलौता मैच यही हुआ है जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया का हुआ था, और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे पहले बल्लेबाजी किया था, पहले बल्लेबाजी करते हुए 300 बनाई थी। बट मे भी हो सकता है कि इंडिया अगर पहले बल्लेबाजी यहाँ पे करे तो जरूरी थोड़ी ना कि यही वाला आंकड़ा हो सकता है कि इंडिया अगर यहाँ पे पहले बल्लेबाजी कर रही है तो वो हो सकता है 400-450 भी रन यहाँ पे बना सकती है, क्योंकि इंडिया अभी करंट फॉर्म देखोगे तो इंडिया का करंट फॉर्म क्या है, अच्छा चल रहा है। खासतौर से यशस्वी जायसवाल की बात करें, गिल की बात करें, तो ये जो अच्छे फॉर्म में और अच्छा कर रहे हैं, तो सारी चीजों को कैलकुलेट करते चलेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो हमारा आपका मकसद ये है कि वो हम 11 खिलाड़ियों को पकड़ लें, किसी तरीके से वो 11 खिलाड़ी पकड़ में आ जाए हमारे, जो ड्रीम टीम का क्या हो हिस्सा हो, और उन्हीं 11 में से हम दो ऐसे खिलाड़ियों को पकड़ लें जो कैप्टन और वाइस कैप्टन के तौर पर हमें सबसे ज्यादा पॉइंट दे और बस हमारा रैंक क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो पूरी मैं आपको तैयारी करवाऊंगा, पूरी चीजों को बारी बारी से डिटेल में बताऊंगा, पूरी वीडियो के साथ मेरे बने रहना। छोटे छोटे पॉइंट्स को देख लेते हैं ताकि 11 खिलाड़ी को सिलेक्शन करने में हमें मदद मिले। तो थोड़ा सा पॉइंट हम देख लेते हैं, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा होगा, ये चीज तो आपने ऑलरेडी देख लिया होगा ना, 300 फिर इंडिया 332 फिर 137 ऑस्ट्रेलिया के बनाती है और 106 रन पे 2 विकेट बना करके इंडिया क्या कर लेती है, जीत जाती है। अब आपको अगर ये लगता होगा कि यहाँ पे देखो 137 रन का यहाँ पे है जब ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे बनाया था, लेकिन चौथी इनिंग में देखो तो इंडिया तो 106 रन बना दी थी, ऑस्ट्रेलिया को देखो तो 137 पे ऑल आउट हुई थी थर्ड इनिंग में,
लेकिन वही चौथी इनिंग को अगर आप देखोगे तो इंडिया तो 106 रन बना लेती है और मात्र दो विकेट गिरते हैं, और दो विकेट में मात्र एक विकेट पेसर लेता है और एक विकेट क्या होता है वो रनआउट से आता है। यानी चौथी इनिंग में भी बल्लेबाजी क्या हो रही थी, अच्छी हो रही थी। आप खुद देखो ना आंकड़ों के हिसाब से तो आपको यही समझ में आएगा ना, 137 अगर आप देख रहे हो तो आपको 106 भी देखना चाहिए कि इंडिया ने चौथी इनिंग में। हालांकि माना जाता है कि जो इंडिया के पीछे होती है चौथी इनिंग में बहुत ज्यादा ब्रेक हो जाता है, स्पिनर्स को बहुत मदद मिलती है और इस वजह से खेलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद देखो तो यहाँ पे इंडिया ने 106 रन बना लिया और उसके सिर्फ एक ही विकेट गिरे और वो भी पेसर ने लिया। और देखो गेम जैसे जैसे आगे बढ़ता गया स्पिनर्स का भी दबदबा था, पहले इनिंग सेकंड इनिंग थर्ड इनिंग देखो 6 विकेट 6 विकेट 6 विकेट यानी स्पिनर का दबदबा था। इसके बावजूद चौथी इनिंग में देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया के जो स्पिनर थे वो इंडिया के विकेट नहीं गिरा पाते और मात्र एक ही विकेट गिरता है और 106 रन बना के ऑस्ट्रेलिया इंडिया क्या कर लेती है, चेस कर ले रही। यानी आपको जो मैंने यहां कॉन्सेप्ट समझाया था वो चीज आपको यहां पे देखने को मिला, शायद आपको और वीडियो में इस तरीके से नहीं बताया गया होगा लेकिन मैंने यहां पे आपको चीजों को समझा दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप मुझसे अग्री करोगे, सहमत करोगे। टॉप स्कोरर को देखने कौन कौन है, तो यशस्वी है, गिल है, क्रॉली है। यशस्वी, गिल और क्रॉली टॉप स्कोरर हैं अभी तक के इस सीरीज में जो चलता आ रहा है। और टॉप विकेट टेकर की बात करें तो मैंने आपको लर्निंग अभी क्या दी है कि पहला मैच अगर कोई विदेशी खेलता है आता है और इंडिया में अगर स्पिन फेंकता है लेफ्ट हैंड से तो उसको जरूर रखना चाहिए। मैं लाइव आया था तो भी मैंने बताया था। और टॉम हार्टली देखो, टॉम हार्टली को मैंने पहले मैच में रखवाया था और आज देखो टॉम हार्टली जो है इस सीरीज का सबसे ज्यादा विकेट टेकर है, 20 विकेट लेकर के सबसे टॉप पे खड़ा है। दूसरे नंबर पे कौन है, बुमराह, हमारे बुम बुम बुमराह, जबरदस्त गेंदबाजी की है, कोई सानी नहीं उनकी। और जडेजा आते हैं तीसरे नंबर पे जो कि सिर्फ गेंदबाजी से नहीं यार बल्कि बल्लेबाजी से भी एकदम हॉट फॉर्म में है हमारे अपने रविंद्र जडेजा। हालांकि पिछले मुकाबले को देखो तो पिछला मुकाबला उनका उतना अच्छा नहीं गया था, बट यही तो अपॉर्चुनिटी है दोबारा से कमबैक करने की कि बल्लेबाजी से भी कंट्रीब्यूट करेंगे डॉन डी ऑर्डर। और आपने गेंदबाजी का यहां पे सीन देख लिया कि स्पिनर्स का भी यहां दबदबा रहता है तो अच्छा कंट्रीब्यूशन आपको देंगे। और मैं बोलूंगा कि आज के मैच के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए सबसे अगर कोई प्रबल दावेदार है तो जडेजा यहां पे प्रबल दावेदार होंगे, पिच को ध्यान में रखते हुए, मैचेस जो यहां पे हुए उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। अब बारी बारी से चलो मैं क्या करता हूं कि बारी बारी से मैं सबका क्या कर लेता हूं, नाम लेते हुए बता देता हूं प्लेयर किसको रखना चाहिए किसको नहीं रखना चाहिए, ठीक है। क्रॉली की बात करोगे तो क्रॉली का जो परफॉर्मेंस है आप यहां पे देख सकते हो, क्रॉली इकलौते इंडिया के सॉरी इंग्लैंड की तरफ से जो टॉप थ्री में आते हैं और सबसे टॉप स्कोरर कोई है वो कौन है, क्रॉली है। तो क्रॉली को देखो पहले इनिंग में वो फ्लॉप था लेकिन उसके बाद से कंसिस्टेंटली क्रॉली ने क्या किया, रन बनाया। तो क्रॉली एक क्या है, एक अच्छे पिक हो सकते हैं आपके ग्रैंड लीग के लिए या स्मॉल लीग किसी के लिए भी ट्राई क्यों ना करो, लेकिन क्रॉली क्या होंगे आपके अच्छे पिक हो सकते हैं, इस बात का ध्यान देना। और एक चीज और समझना कि पेसर्स का थोड़ा दबदबा यहाँ पे कुछ ज्यादा देखने को मिल रहा है इस पेसर और स्पिनर का, तो अपनी जो टीम तैयार करेंगे ना उसमें हम ऑलराउंडर को रखेंगे और ऐसा गेंदबाज जो बल्लेबाजी कर ले फिर ऐसा बल्लेबाज जो गेंदबाजी कर ले ऐसी प्राथमिकताओं को हम ज्यादा देंगे, क्योंकि थोड़ा सा आप समझ रहे हो ना कि ट्विस्ट आ सकता है, क्योंकि ये चीज अलग दिखा रही है ये चीज अलग दिखा रही है, इसलिए हम क्या करेंगे बैलेंस बनाते हुए अपनी टीम को लेकर चलेंगे कि हमारा पॉइंट पकड़ में आ जाए और डीटी में आ जाए हमारे 11-11 खिलाड़ी क्रॉली, ठीक है। डकेट की बात करूं तो डकेट पता है डकेट के साथ इंडिया का ना काफी ज्यादा थोड़ा अभी इस वक्त कंट्रोवर्सी चल रहा है। डकेट ने स्टेटमेंट दिया, एक बयान दिया है कि इंडिया जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रही है हमें बहुत खुशी हो रही है कि जो बैट बॉल हम क्रिकेट खेलते हैं, मतलब ये क्रॉली डकेट बोल रहा है कि बैट बॉल जो क्रिकेट हम खेलते हैं वैसा क्रिकेट अब बाकी दुनिया भी क्या कर रही है अडॉप्ट करते जा रही है, वैसा क्रिकेट खेलते जा रही है। तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट था जो इंडिया का इन्होंने मतलब इंडिया के खिलाफ ऐसा बोला है कि मतलब जो हम खेल रहे हैं तेज खेलते हैं ये देख करके अब इंडिया टीम भी क्या कर रही है तेज खेलने लगी। तो रोहित शर्मा ने पलटवार करते हुए क्या बोला डकेट को कि हमारे टीम में एक खिलाड़ी हुआ करता था जिसका नाम है ऋषभ पंत, लगता है कि शायद डकेट ने ऋषभ पंत को खेलते हुए नहीं देखा, क्योंकि ऋषभ पंत को उसने खेलते हुए देखा होता तो इसको असल में पता चल जाता कि बैच बॉल क्या था, बैच बॉल तो हमारा ऋषभ पंत कब से खेलता आ रहा है और फिलहाल अभी यशस्वी जायसवाल हमारा खेल ही रहा है। पोप की बात करो तो ये देखो ये क्वेश्चन मार्क है डकेट के साथ, पता है यहां पे क्या होगा, डकेट या तो जबरदस्त खेल जाएगा, ध्यान देना, या तो जबरदस्त कर देगा, या तो हीरो या तो जीरो, मैं आपको लिख के दे रहा हूं ये देख लो डकेट का, या तो एच या फिर जेड, एच से हीरो जेड से जीरो, या तो यहां पे हीरो हो जाएगा बढ़िया पारी खेल देगा और या तो क्या होगा पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाएगा, इंडिया वाले एकदम इसको खा जाएंगे चबा जाएंगे ऐसा वाला होगा, ठीक है, दोनों हो सकता है। पोप का बात करोगे तो पोप के साथ क्या है, क्वेश्चनेबल है, क्वेश्चनेबल इसकी पोजीशन है। और देखोगे पोप का अभी मैंने वो परसेंटेज नहीं लिखा यार कि किसका सिलेक्शन परसेंटेज क्या है, क्योंकि अभी आइडिया लग जाता है किसका परसेंटेज कितना है। पोप का मुझे पता है कि परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन जो है ना वो बहुत कम है, जस्ट बिकॉज कि ये अच्छे फॉर्म में नहीं है, एक इनिंग को छोड़ दिया जाए वो शतक वाला लगभग दोहरा शतक, तो उसके अलावा देखोगे तो गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि पोप और बैन स्टोक का देखोगे तो सीन एक जैसा है, मतलब न पोप उस तरीके से कर पा रहे हैं न बैन स्टोक उस तरीके से कर पा रहे हैं। और ध्यान दोगे पोप और बैन स्टोक दोनों का परसेंटेज क्या है, बहुत डाउन हो गया है, बट हमें तो यही समझना है कि जो बड़ा प्लेयर है जो बड़ा परसेंटेज लेके खड़ा है उसी में से कैलकुलेटेड रिस्क करते हुए हमें उनमें से बाहर करना है, और जो मतलब प्लेयर
उस तरीके के फॉर्म में नहीं है, हमको उसी को उसका क्या करना है, इसमें एंट्री करना है। तो हमें वो एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए, बैलेंस लेते हुए टीम की हमें बनाना है, अपनी इन्फॉर्मेशन करनी है, ताकि 11 के 11 क्या कर ले, डी टीम आ जाए। तो थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क हम लेंगे, ठीक है। टीम तो एक नहीं बनती है, दो तीन टीमें बनती है, तो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए मैं आपको बताऊंगा। टीम अभी समझाता हूं, बट समझ लो चीजों के बारे में, ठीक है। रूट आपका यहां पे मस्ट पिक होगा, बैटिंग हो या बॉलिंग हो, आपको पता है यहां पे सब कुछ दिख रहा है। ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी है, पेसर है, स्पिनर है, बल्लेबाजी है, तीनों के लिए, और तीनों के हिसाब से रूट क्या आपका आपका मस्ट पिक होगा। रूट को आपको ट्राई करना चाहिए, बाहर नहीं करना चाहिए, चाहे इनिंग कौन सी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेस्टों का देखोगे तो पिछले मैच में देखोगे तो एवरेज 35-36 रन की दो पारियां इन्होंने खेली थी, काफी ज्यादा इनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, काफी ज्यादा उठ रहे हैं। और बेस्टों ने पिछला जो मुकाबला खेला था अपने बाकी मुकाबलों की तुलना में, पिछले मुकाबले में थोड़ा सा क्या किए थे, बेहतर किए थे। मैं उम्मीद करके चल रहा हूं, हालांकि बहुत रिस्की होगा, बहुत रिस्की होगा, बट मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि बेस्ट हो यहां पर, हो सकता है कि बेस्ट हो यहां पर बेस्ट बॉल खेलते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। हालांकि खासतौर से तब जब अगर बल्लेबाजी वाली पिच थोड़ी सी ज्यादा बन जाती है तो आपको बेस्ट हो यहां पर आपको बैट बॉल खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, मार्क माय वर्ड। फोक्स की बात करो तो अक्सर बात चल रही है कि बेस्टो को विकेट कीपर से डालें या ध्रुव जुरेल को डालें या फिर फोक्स को डालें, अक्सर सवाल चल रहा है। और ज्यादातर लोगों की प्राथमिकता क्या है, ज्यादातर लोगों की प्राथमिकता क्या है, ध्रुव है, और ध्रुव के साथ साथ बेस्टो और फोक्स एक लेवल पे है। तो मैं बोलूंगा कि आप चाहो तो अगर आपको बेस्टो को नहीं रखना होगा तो आप फोक्स के साथ भी जा सकते हो। हालांकि लास्ट मैच में देखो तो फोक्स ने भी थोड़ा सा एक इनिंग में प्रॉमिस दिखाया था, और फोक्स के साथ प्लस एडवांटेज पता है क्या है, प्लस एडवांटेज ये है कि ये क्या है, विकेट कीपर है, तो विकेट कीपिंग ये दो इनिंग में वो पूरी विकेट कीपिंग करेगा। तो दो इनिंग में विकेट कीपिंग करता है तो हर एक कैच पे क्या है, 8-8 पॉइंट बढ़ता जाएगा, हर एक स्टंपिंग पे 8-8 पॉइंट बढ़ता चल जाएगा। तो उस हिसाब से भी फोक्स क्या होगा, बेस्टो की तुलना में फोक्स क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा सेफ ऑप्शन होगा। और अगर मार पिटैया धूमधड़ाका बेस्ट बॉल वाला अगर आपको लगता है, जो कि मुझे लगता है अगर हो सकता है ये खेलेंगे, तो बेस्टो का सबसे प्रबल दावेदार है क्योंकि तेज खेलता है लड़का। स्टोक्स का मैंने आपको सीन बता दिया, पोप के साथ, कि दोनों में से एक को आप ट्राई कर सकते हो अपने ड्रीम टीम में। रिस्की होगा, परसेंटेज क्या है, बहुत कम है, और दोनों टॉप लेवल के बल्लेबाज हैं, तो ऐसा नहीं कि आप इनको एकदम अंडर एस्टिमेट कर दो, भगा दो, ऐसा नहीं है। रॉबिनसन की बात करो तो रॉबिनसन ने पिछले मैच में गेंदबाजी से तो नहीं, बट हम बल्लेबाजी से पॉइंट दिया, बट बल्लेबाजी से हमें यहां पर नहीं चाहिए, हमें गेंदबाजी चाहिए। तो क्या सवाल है कि यहां गेंदबाजी के लिए है, तो जवाब है यस, गेंदबाजी के लिए यहां पर है। तो रॉबिनसन बल्लेबाज भी अच्छा है, डाउन द ऑर्डर बल्लेबाजी भी पॉइंट देता है, और साथ ही साथ ये पेसर भी बहुत अच्छा है। और इस पिच के ऊपर आप देखोगे कि मैंने बताया मॉइस्चर है, तो पेसर्स को मदद है। तो एक ट्रम्प कार्ड आपका कौन हो सकता है, रॉबिनसन, यस आई विल से कि रॉबिनसन आपका ट्रम्प कार्ड हो सकता है। खासतौर से इस बात का ख्याल रखना कि अगर इनका कैप्टन टॉस जीतकर अगर फील्डिंग ले लेता है, यानी बॉलिंग ले लेता है, तो रॉबिनसन आपके अच्छे पिक हो सकते हैं। और रॉबिनसन के साथ अगर कोई अच्छा पिक हो सकता है, कौन हो सकता है, एंडरसन। ध्यान देना मॉइस्चर यानी नमी, और ध्यान देना ये जो मैच है ना, ये जो पिच है, ये ग्राउंड है धर्मशाला, ये बहुत ऊंचाइयों पर, जब कोई भी ग्राउंड बहुत ऊंचाइयों पर रहता है तो वहां पे हवा का भी कहीं ना कहीं प्रभाव होता है। तो एक तो समझो नमी, और नमी के साथ साथ क्या क्या आपको हवा देखने को मिल रहा है, तो हवा पे समझ लो क्या है, एंडरसन और रॉबिनसन, ये दो ऐसे गेंदबाज हैं जो बहुत तेज नहीं फेंकते हैं लेकिन अपने स्विंग पे भरोसा करते हैं और अपने लाइन और लेंथ पे भरोसा करते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कि रॉबिनसन और एंडरसन पहली इनिंग में अगर पा जाएंगे तो ये दोनों के दोनों बहुत खतरनाक हो जाएंगे। हालांकि आप चाहो तो दो में से एक को रखना, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोनों के दोनों बहुत खतरनाक हो सकते हैं, और दो के दो नहीं होंगे तो कम से कम एक होगा। मैंने आपको कंडीशन बता दिया क्यों हो सकते हैं, रीजन मैंने बता दिया। टॉम काटली का मैंने आपको शुरुआत में बताया था, लेफ्ट हैंडर ऑफ स्पिनर, और इंडिया के बल्लेबाज कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, लेफ्ट हैंड ऑफ स्पिनर और पेसर दोनों से दिक्कत होती है। और पहले मैच में रखवाया था, पहले मैच में मुझे लगता है 8 या 9 विकेट इसने लिया था, और अभी तो देख रहा हूं कि हार्टले है, ठीक है। तो हार्टले की बात करो तो यहाँ पे क्या लिया उसने, 20 विकेट यहाँ पे ले लिया है। टॉम हार्टले यहाँ पे क्या होगा, एक अच्छा पिक यहाँ पे होगा, टॉम हार्टले को लेकर चलना, क्योंकि स्पिनर के लिए यहाँ पे देख रहे हो, स्पिनर के लिए यहाँ पे है। बशीर, पता है इंग्लैंड का एक बड़ा बहुत बड़ा प्लेयर है, उसने स्टेटमेंट दिया कि जो इंडिया के लिए अश्विन ने किया है वही हमारे लिए कौन कर सकता है, बशीर कर सकता है। यानी बशीर के अंदर लोग बहुत ज्यादा प्रॉमिस दिख रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि यस बशीर भी आपके एक अच्छा एक पिक हो सकता है। मे बी परसेंटेज का बहुत कम हो, आई डोंट नो, मैंने अभी देखा नहीं है, बट बशीर आपका क्या हो सकता है, एक अच्छा पिक हो सकता है। अगर आप इसको ट्राई करोगे तो ये आपको 6-7 विकेट कम से कम लेके दे सकता है। मेरे अंदर मुझे लगता है कि पोटेंशियल है कि 5 विकेट एवरेज आपको ये दे सकता है। लड़का अच्छा गेंदबाज है, अच्छी गेंदबाजी करता है और फंसाया भी इसने। अब आते हैं रोहित शर्मा पे। रोहित शर्मा की बात करो तो एक इनिंग को छोड़ दो, एक शतक वाली, इसके बाद काफी ज्यादा क्या रहे,
थोड़ा सा उनका मतलब समझ लो ना, डमाडोल बोलते हैं ना, डमाडोल थोड़ा सा फॉर्म रहा है तो क्वेश्चनेबल है। मैं थोड़ा सा देखूंगा, लास्ट मोमेंट में देखूंगा पिच का रिपोर्ट क्या था, उसके हिसाब से मैं क्या करूंगा, लेता हूँ रिस्क, लेता हूँ नहीं लेता हूँ देखूंगा, ठीक है। आप इसके लिए क्या है ना कि समझो, अभी तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ यार, चीजों को मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ताकि आपको भी आइडिया लगता चले, ताकि हम इसके बाद से जब हम टेलीग्राम पे आएंगे, तो टेलीग्राम पे जब हम सब लोग मिलकर बात करेंगे ना, तो सबकी जब आवाज आएगी, सब लोग एक दूसरे से बात करेंगे, सब लोग मिलकर के 22 खिलाड़ी के बारे में बात करेंगे, तो वहां पे जो टीम तैयार होती है ना, वो बहुत जबरदस्त तैयार होती है। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ, ये पूरी वीडियो को देखा करो, यहाँ पे बहुत सी बातों को मैं बता देता हूँ, लेकिन इसके बावजूद कोई बात छुट्टी रह जाती है तो टेलीग्राम पे हम आते हैं और मिल करके लाइव सेशन में कम से कम 700-800 हजार लोग होते हैं जो टेलीग्राम में जुड़ते हैं, और हम सब मिल करके बात करते हैं और पूरी 11 खिलाड़ी को तैयार करते हैं। आप एक बार जाओ तो सही, आप एक बार जाओ जाके टेलीग्राम मेरा देखो कि वहां पे कितने लोग हैं जो एक्टिव हैं, कितने लोग हैं जो मुझसे बातें करते हैं और अपना खुद भी बताते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं, और उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू सही हो जाता है, उनका भी प्रेडिक्शन सही होता है और मेरी प्रेडिक्शन सही होती है, तो मिल करके पूरी फैमिली जो क्या करते हैं वहां पे तैयार करते हैं। तो प्लीज जाकर टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन करना। यशस्वी आपका मस्त पिक होगा, ठीक है, क्योंकि टॉप फॉर्म है, टॉप फॉर्म नहीं हॉट फॉर्म में, यशस्वी आपका पिक होना चाहिए। गिल की बात करो तो सेकंड स्कोरर है, गिल को भी आप लेकर ट्राई कर सकते हो, हालांकि ध्यान देना कि अगर ये दोनों पहले नहीं में गेंदबाजी करते और थोड़ा सा स्विंग वगैरह होती है, हाँ स्विंग विंग होगी और मॉइस्चर थोड़ा सा और भी नमी देखने को मिलेगा और भी अगर हवा चलेगी, तो मैं क्या कहूंगा कि रोहित यशस्वी और गिल ऊपर क्या है, थोड़ा सा खतरा है पहले इनिंग की अगर बात करूं तो। अब देखो पर्टिकल और सरफराज, सरफराज का तीसरा मुकाबला, पहला मुकाबला अच्छा खेला, सेकंड मुकाबला अच्छा नहीं खेला, अब है तीसरा मुकाबला। पर्टिकल की यहां पे एंट्री हुई है क्योंकि आपको पता है रजत पटीदार को बहुत मौका मिल गया, तो मुझे लगता है पर्टिकल की यहां पे एंट्री होगी। तो मैं आपको बोलूंगा कि ट्रम्प कार्ड के साथ अगर आप जाना चाहते हो तो ये टीसी पर्टिकल और सरफराज दोनों में से किसी एक को रखोगे, ये आपका अच्छा टीसी हो सकता है, ट्रम्प कार्ड हो सकता है। ध्रुव आपका मस्त पिक होगा, बताने की जरूरत नहीं है आपको, बैटिंग बॉलिंग दोनों, सॉरी बैटिंग और विकेट कीपिंग से दोनों दे रहा, और खास तौर से लास्ट मैच को देखो, लास्ट मैच की जो पहली इनिंग थी, मुझे लगता है कि ध्रुव के वजह से हम वो टेस्ट के ऊपर कर पाए, जीत पाए। अगर ध्रुव ने वो पारी नहीं खेली रहती 92 रन की, हालांकि ये सेंचुरी डिजर्व करता था यार, बट नहीं हो पाया, बट ध्रुव ने वो पारी नहीं खेली रहती तो शायद इंडिया नहीं जीत पाती लास्ट मुकाबला, और आज ये सीरीज जो कितने पे खड़ा रहता, 2-2 पे खड़ा रहता और ये करो ये हमारा मुकाबला रहता। तो क्रेडिट गोज टू ध्रुव जुरेल की, बहुत अच्छी इन्होंने पारी खेली, ध्रुव आपका मस्त पिक होगा। जडेजा ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि ये मस्त पिक होगा। अश्विन और कुलदीप का पता है क्या है, मतलब ऐसा है ना कि ऐसे हम सिचुएशन में या तो हम अश्विन या तो कुलदीप, दोनों में से हम एक के साथ जाएंगे, और अगर थोड़ा सा पलड़ा भारी की बात करो तो अश्विन का थोड़ा सा 20 है और कुलदीप का क्या है, थोड़ा सा 19 है। हालांकि देखो तो इसने कुलदीप ने पिछले मुकाबले में एक इनिंग में 4 विकेट लिया, और अश्विन को देखो तो एक मुकाबले में इसने कितना लिया था, शायद 5 विकेट लिया था, यस 5 विकेट, एक इनिंग में 5 विकेट, एक इनिंग में 1 विकेट, और कुलदीप की बात करें तो एक इनिंग में 1 विकेट और एक इनिंग में 4 विकेट, तो ऐसे करके लिया है। बट वही अश्विन का थोड़ा सा बैटिंग का एज मिल जाता है, प्लस फैक्टर मिल जाता है, तो जाएंगे अब किसके साथ, अश्विन के साथ। बहुत लोग अग्री नहीं करेंगे बिकॉज राइट नाउ अभी फॉर्म जो है अश्विन का थोड़ा सा डगमगाया हुआ है, लेकिन चूंकि ये जो धर्मशाला की है ये कहीं ना कहीं क्या है, ब्लैक मिट्टी पे बनी हुई है, ब्लैक सॉइल है, और कहीं ना कहीं स्पिनर को भी मदद है, तो मैं लेके चलूंगा। क्योंकि थोड़ा सा एक बात और समझना, एक चीज मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने लिखा तो मैंने बताना भूल गया, हवा जब चलती है ना तो अश्विन और जडेजा, ये हवा में जो बोलते हैं ना, सुनो ना इंग्लिश आपने, ड्रिफ्ट, हवा में ड्रिफ्ट मिलती है, हवा में गेंद को लहराने की जो कला है वो अश्विन और जडेजा में ही है। मतलब पूरे वर्ल्ड में इतनी कला किसी को, इतनी महारत हासिल नहीं हुई है जितनी महारत जडेजा और अश्विन को हुई है, कि हवा में गेंद को क्या कर सकते हैं, लहरा सकते हैं। ऑल्दो ये दोनों स्पिनर है, लेकिन इसके बावजूद हवा में लहरा सकते हैं, खासतौर से अश्विन, और लहराने के पीछे एक और बेसिक कारण, सॉरी एक बेसिक कारण और भी क्या है, कि हवा, मैंने बताया कि पहाड़ों पर मैच है, ऊंचाइयों पर मैच है, हवा चलेगी तो उस वजह से हवा में ड्रिफ्ट करा सकते हैं कौन, ये दोनों, जडेजा और अश्विन। इस वजह से जडेजा तो रखना ही था, अश्विन को मैं यहाँ पे रख के चल रहा हूँ, तो मैं कुलदीप पे मजबूरी है, देखता हूँ किसी और टीम में ट्राई कर लूंगा, एक ही टीम में नहीं। और यहाँ से मैं बुमराह को लेकर चल रहा हूँ, सिराज का क्या है, क्वेश्चनेबल है, कुलदीप का क्या है, क्वेश्चनेबल है, इस तरीके से। तो मैंने आपको 22 के 22 खिलाड़ी के बारे में बता दिया, अब मैं आपको यहाँ पे टीम लिख देता हूँ, टीम लिख के मैं आपको बता देता हूँ कि इस टीम के साथ मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ सके, प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो लाइक कर लो। तो चलो मैं आपको दो टीमें आपको यहाँ पे कम से कम लिख करके दे देता हूं। तो मैंने दो टीम तैयार कर लिए, देखो टीम ये वन है, टीम वन, और ये क्या रही, टीम टू। आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, ये देख लो, मैं आपको बोल भी देता हूं, यशस्वी, जडेजा, अश्विन, ध्रुव, बुमराह, क्रॉली, रूट, हार्टली, ये फिक्स हैं। उसके बाद इस वाली जगह के लिए ना, रॉबिन्सन और एंडरसन में से किसी एक के साथ जाऊंगा, गिल और रोहित के साथ मैं किसी एक के साथ जाऊंगा, फोक्स,
बशीर और बेस्टो इन तीनों में से किसी एक के साथ जाऊंगा, यानी 11वां पोजीशन के लिए फोक्स, बशीर और बेस्टो में से किसी एक को मैं डाल दूंगा। देखता हूं मैं लास्ट टाइम में मेरा इंट्यूशन क्या कहता है, साइकोलॉजिकल मेरा दिमाग क्या कहता है, क्योंकि मैं लास्ट मोमेंट तक मैं बोर्ड को देखता रहता हूं, चेक करता रहता हूं और समीकरणों को देखता हूं, उसके हिसाब से मैं बताता हूं। तो ये 11 खिलाड़ी को मैं सजा रहा हूं और इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन का मैं कंटेंडर आपको मैं बता देता हूं, ये सबसे बढ़िया वाइस कैप्टन और कैप्टन के कंटेंडर कौन रहेंगे। लेकिन दूसरी टीम ये देख लो, इस टीम में यशस्वी, जडेजा, ध्रुव, बुमराह और इस जगह के लिए रोहित और गिल में से किसी एक के साथ, यहां पर रूट और क्रॉली और डकैत में से किसी एक के साथ मैं जाऊंगा, एक ही को जगह दूंगा। और यहां की बात करो तो रॉबिनसन और एंडरसन में से भी किसी एक ही को जगह दूंगा। फिर यहां पे आते हैं मेरे टॉम हार्टली स्पिनर, फिर मैं यहां पे बशीर के साथ जाऊंगा और आखिरी जो जगह बचेगी यहां पे अश्विन और कुलदीप में से किसी एक के साथ जाऊंगा। और ये रहे मेरे स्टैंड बाय प्लेयर। स्टैंड बाय प्लेयर मतलब लास्ट टाइम में अगर मेरी इंट्यूशन कहती है कि इस खिलाड़ियों को निकाल करके इसको डाल देना चाहिए, तो वो लास्ट मोमेंट में भी मैं मास्टर स्ट्रोक मारता रहता हूं और लोगों से बातें होती है तब जाकर मास्टर स्ट्रोक वो फीलिंग आती है, तो मैं मास्टर स्ट्रोक कभी कभी टेलीग्राम में डाल देता हूं, तो प्लीज टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना। स्टैंड बाय में कौन कौन है, सिराज है, सरफराज है, पोप है और स्टोक्स है। मुझे लगता है ये चार वो खिलाड़ी हैं जो इस सीरीज में अंडररेटेड रहे हैं, उस तरीके से परफॉर्म नहीं किए हैं। हालांकि सरफराज ने पहले मैच में किया, सेकंड मैच में नहीं किया, लेकिन यहां पे देखोगे तो हो सकता है कि इन चारों में से एक प्लेयर जरूर होगा जो बड़ा काम करेगा, चाहे वो बैटिंग से करे या बॉलिंग से करे, लेकिन वो बड़ा जरूर काम करेगा। अब कैप्टन और वाइस कैप्टन की अगर हम बात कर ले, बढ़िया कौन कौन से हैं, तो जडेजा है आपका, जडेजा आपके हो जाएंगे। उसके बाद आपका कोई हो जाएगा तो वो हो जाएगा बुमराह, जडेजा बुमराह। उसके बाद आते हैं किसका नाम, रूट का नाम। ये तीन ऑप्शन होंगे जो आपके सबसे बेस्ट होंगे और चौथा नाम किसका आता है, हार्टले का। ये चार ऑप्शन जो होंगे जो आपके कैप्टन वाइस कैप्टन के सबसे बढ़िया कंटेंडर होंगे, सबसे अच्छे कंटेंडर होंगे। तो इस टीम के साथ दो टीम जो है जो मैंने आपको तैयार करके दी है, हालांकि मैं हमेशा बोलता हूं कि एक दो टीम से नहीं, तीन चार टीमें आपको ट्राई करनी चाहिए, तब जाकर आपका वो ग्रैंड लीग होता है ना, पहला रैंक आना, वो उसमें चांसेस थोड़ा ज्यादा क्या हो जाते हैं, बाकी की तुलना में थोड़ा ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये दो टीम हो गई, बाकी की जो दो टीमें होंगी मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो प्लीज टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। चैनल में पहली बार हो चैनल में जो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो लाइट जा चुकी है, इन्वर्टर पे चल रहा है, ठीक है ना, तो मैं मॉर्निंग में हो सकता है सुबह के वक्त में लाइव आऊंगा, यूट्यूब पे लाइव आऊंगा, तो प्लीज लाइव जरूर से आप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। अपना ख्याल रखना, अपने ज्यादा अपने परिवार का ख्याल रखना। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।